स्वागत है थर्टी एट सेट है सुबह के नौ बज चुके हैं और आप लोग क्लास के लिए तैयार हैं तो सभी लोग कनेक्ट हो जाए और एक बार कंफर्मेशन कर दें कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है ज्योति राव गुड मॉर्निंग काफी दिनों बाद दो तीन दिन से आप गायब थे रोहन से एक, गुड मॉर्निंग बेटा हनी गुड मॉर्निंग आप लोगों का बेहतरीन प्यार मुझे यहां पे मिल रहा है सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और एक बार कंफर्मेशन करें सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी अपने दोस्तों को बुला लें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल्स के को क्लियर तो थैंक यू फॉर टुडे तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन भरते हैं यहां पर ये यह सभी क्लासेज आपकी चल रही है यहां पर तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ना यहां पे कुछ आकृति दे रखी है इनमें आपको बताना है एग्जाम था ज्योतिराव किस चीज का एग्जाम था बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इस क्वेश्चन की अपन बात करें क्या आंसर होने वाला है यदि अपन यहां पे बात करें लेटर्स दे रखें इन लेटर्स में आपको बताना है विच वन इज डिफरेंट निम्न में से अलग कौन सा है पांच अक्षरों को क्रम से एबीसीडी से चिन्हित किया गया है जिसमें चार में से किसी प्रकार की समानता है जबकि एक अक्षर अन्य चारों से भिन्न है डिफरेंट है गोड एन एन का था गुड तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा टाइम नाउ स्टार्ट फॉर क्यू लेटर्स दे रखें आपको बताना इनमें अलग क्या है बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ए बी सी डी पांच लेटर्स हैं। जो एक्चुअल लेटर है वो बी है वाई एफ जेड ए इन पांच में से चार एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ऑप्शन सी चार, यहां पे ज्योति का आंसर आया ऑप्शन सी क्या ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए जल्दी बताएं भाई ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए क्या अब देखिए ऑप्शन सी क्यों होगा ये कॉन्सोनेंट 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 ये अपना वोवल्स चार कॉन्सोनेंट एक वोवल्स ए लेटर ऑप्शन ई रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायग्राम ई e, ऑप्शन सी गुड मॉर्निंग रूपम गुड मॉर्निंग क्लियर बिल्कुल सही दिया ज्योति और सबसे जल्दी आंसर भी ज्योति का है सभी लोग आंसर देते रहे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नौ चलिए भाई हां से अलग कौन सा है डिफरेंट फिगर ऑफ अदर इन गिवन से ये कुछ आकृति दे रखी है भाई आपको इन चार आकृति में तीन आकृति एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं बट एक आकृति वो है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही जो इस आकृति को फॉलो नहीं कर रही बताइए भाई कौन सी ऐसी आकृति है जो इस आकृति को फॉलो नहीं कर रही ए बी सी डी ज्योति ने कहा ऑप्शन बी ऑप्शन बी का मतलब डायग्राम सी ऐसा कहा जा रहा है श्योर लॉक कर दिया जाए भाई इस कंसेप्ट को जल्दी बताएं बी अब इस डायग्राम को देखो एक त्रिभुज है इस त्रिभुज के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट्स को बना रहा है तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इक्वल टू पार्ट्स में इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है हेलो कितने पार्ट्स में इक्वल टू पार्ट्स में ये वाली भी इक्वल टू पार्ट्स में ये वाली भी इक्वल टू पार्ट्स में बट जो डायग्राम सी है ना वो टू पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहा है बट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा तो इसलिए डायग्राम सी ऑप्शन बी ऑप्शन बी डायग्राम सी जिन स्टूडेंट्स का ये आंसर है उनका सही है बाकी सबका गलत है कितने सिंपल क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ना यस वेन वेन से रिलेटेड क्वेश्चन बताइए तीन वर्ड्स दे रखे इन वर्ड्स की मैं बात करूं तो इन वर्ड्स के मग लॉजिकली क्या रिलेशन होगा फायर करें भाई फटाफट आंसर आना चाहिए हनी माहो कम्मू माहो जल्दी जल्दी आंसर दे, जल्दी जल्दी आंसर देते रहें बताइए भाई पेन स्टेशनरी पेंसिल पेन स्टेशनरी और पेंसिल यदि पेन स्टेशनरी और पेंसिल की मैं बात करूं देखो पेन और पेंसिल ये दोनों स्टेशनरी की पार्ट है स्टेशनरी जी क्लास स्टेशनरी जे क्लास यार तेरा सुपर स्टार गुड आंसर क्या है ये अपना स्टेशनरी वाला एरिया ये पेन और ये पेंसिल दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग इस कंडीशन का बेस्ट आंसर क्या होगा बी होगा इस कंडीशन का बेस्ट आंसर क्या होगा बी आंसर होगा चले आगे अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर ना यस चलिए भाई डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चंस दे रखा है तीन कथंस दे रखे हैं कौन कौन से कथंस इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए पर्याप्त है ये आपको बताना सूरज हनी रोहिन से सब लोग कमेंट जरूर करें भाई सब लोग कमेंट जरूर करें क्या आंसर होगा वो कैसे निकालेंगे ये सारी बातें आपको बतानी है ये सारी बातें आपको बतानी है चलिए अला के पास तीन अलग अलग रंगों के दस कपड़े हैं दस कपड़े हैं भाई कितने कलर्स के तीन अलग अलग तीन रंग के दस कपड़े हैं घाटे यह बता उसके पास हरे रंग के कितने कपड़े यह निकालना एक लाल चादर लाल चादर कितनी है एक नीले कपड़ों की संख्या लाल कपड़ों की संख्या की तिगुनी है यहां से लाल का मालूम चला है दूसरे से नीले का चल गया नीले की संख्या लाल से कितनी गुनी है तीन गुनी है तो तीन चार तो हरे मालूम चल गए पहले वो दूसरे से बचे हुए हरे होंगे हरे रंग के कपड़े और काले कपड़ों की संख्या बराबर है अभी तो चौथा कलर भी आ गया नीला आ गया हरा आ गया काला आ गया बट यहां तीन रंग एल के पास तीन अलग अलग रंगों के दस कपड़े हैं तो हरे रंग के निकालने क्लियर तो यहां पे अपन बात करें केवल दूसरा पर्याप्त हरे रंग के कपड़े काले रंग के कपड़े की संख्या पर काले के कहा मालूम चला ज्योतिराव बी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्याप्त तो टोटल चार रंग के कपड़े होंगे जब ही अपन बता सकते हैं तो इसके लिए पहला भी रिक्वायरमेंट है दूसरा भी रिक्वायरमेंट और तीसरा भी रिक्वायरमेंट है तीनों से अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगला क्वेश्चन चलिए भाई स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट तीन से, से मालूम नहीं चल रहा नहीं ओनली थर्ड से मालूम नहीं चल रहा ओनली थर्ड से मालूम नहीं चल रहा ओनली थर्ड से मालूम है नहीं चल रहा चलिए एक स्टेटमेंट दे रखा है दो आर्गुमेंट्स दे रखे एक स्टेटमेंट है दो आर्गुमेंट्स है आपको बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है पहले स्टेटमेंट पढ़ लो यदि स्टेटमेंट्स की बात करें क्या अलास्का स्टेट लोटरी पर प्रतिबिंब लगा देना चाहिए हाँ सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए नहीं इससे सरकार को लौटे ये तो गलत है गलत तो इसके पीछे पहला वाला आर्ग्यूमेंट सही है पहला वाला आर्ग्यूमेंट सही है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है ऐसा कौन सा ऑप्शन है, है? गॉड पहला वाला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट वीक है ऐसा ऑप्शन बी में लिखा हुआ तो रेलवे के अंदर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताएं, हां रैंकिंग का क्वेश्चन है पज़ल टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम ले और क्वेश्चन को सॉल्व कर कंपेरिजन करना भाई कंपेरिजन करना कंपेरिजन की बात यहां पे की जा रही चलिए पांच लोग हैं स्मिता मनीता से बड़ी है स्मिता स्मिता मनीषा से बड़ी है क्लियर धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटे थी धान्या बीच में आई धान्या कहा है ये बेटा बीच में है मनीषा करुणा रम्या और मनीषा से छोटी करुणा करुणा रम्या और मनीषा से छोटी अब यदि अपन बात करें मनीषा रम्या से बड़ी है तो बीच में कौन मनीषा अब मनीषा कौन से ऑप्शन में बेटा डी ऑप्शन में डी ऑप्शन में रैंकिंग का था कंपेरिजन किया जा रहा है आपस में तो इन पांचों के ठीक कौन आएगा जल्दी बोलो मनीषा तो एक दूसरे से कंपेरिजन करके इस क्वेश्चन का अपन आंसर निकाल सकते हैं क्लियर हुआ सबका सही था जिनका गलत था वो देखिए और जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो भी देखिए हाँ भाई अगला क्वेश्चन अजम्पन अवधारणा अजम्पन से रिलेटेड क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे रखा है इसके पीछे क्या अजम्पन्स है वो अपन को बतानी है वो अपन को बतानी कि अजम्पन्स क्या है पीछे की कहानी क्या है वो अपन को बतानी है। चलिए गॉड कीप इट अप कथंस क्या दे रखा बेटा यदि कथंस की अपन बात करें नैतिक आचार बचपन से ही सिखाए जाना चाहिए एक स्टेटमेंट दिया इसके पीछे क्या अवधारणा रही होगी इसके पीछे क्या अवधारणा रही होगी इसके पीछे क्या अवधारणा रही होगी वो अपन को बताना भाई वो अपन को बताना कि क्या अवधारणा रही होगी अजम्शंस क्या यहां बोला जा रहा नैतिक आचार बचपन से सिखाए जाने चाहिए नैतिक शिक्षा के लिए बचपन उपयुक्त आयु है बिल्कुल बच्चे बड़ी उम्र में विचारों को स्वीकार नहीं करते बिल्कुल सही पहला भी सही है और दूसरा भी सही है तो दोनों धारणा ही अंतर निहित फर्स्ट एंड सेकेंडन दोनों ठीक है दोनों भाई बड़े होने के बाद उनके विचार स्वीकार नहीं होते और नैतिक शिक्षा में ही अच्छी होती है इसलिए ही याद हो तो आपके स्कूल टाइम में एक मोरल एजुकेशन का सब्जेक्ट चलता था नैतिक शिक्षा वहां ही क्यों चलता था बाद में क्यों नहीं चल दोनों अंतर्निहित बड़ी उम्र में विचारों को स्वीकार नहीं करते ऐसी अजमशंस से इसलिए बचपन में सिखाई जानी चाहिए बिल्कुल सही दोनों नेक्स्ट चलिए भाई डेटा सफिशिएंसी नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी आया आंसर एम एन ओ क्यू में कौन सा भाग सबसे भारी है में कौन सा भाग सबसे भारी है। है की बात करें एम एन ओ पी एम एन ओ क्यू में कौन सा भाग भारी अब भारी के नहीं एम सबसे हल्का एम का तो हल्का तो मालूम चल गया इससे तो मालूम नहीं चल क्यू का वजन एन और ओ के वजन से तीन गुना है क्यू का वजन एन और ओ के वजन का तीन गुना अब ये तीन गुना है क्यू का वजन इन दोनों के वजन से तीन गुना है तो दोनों से तो क्यू सबसे भारी हुआ अकेले से नहीं निकल रहा था अकेले इससे क्योंकि इससे एम का मालूम नहीं चल रहा तो दोनों को मिलाएं तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं तो दोनों कथन कथन एक और दो, दोनों एक साथ पर्याप्त है जब दोनों एक साथ पर्याप्त है जबी अपन बता सकते हैं कि इन चारों में से जो सबसे भारी बैग है वो सबसे भारी बैग एम है जो सबसे भारी बैग है वो एम है क्लियर हुआ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलिए बताए सीरीज का क्वेश्चन नंबर सीरीज आपको बताना है कि अगली संख्या क्या हो पंद्रह श्योर लॉक करें जो थी पंद्रह बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर देते चले सभी लोग आंसर भी देते चले क्या होगा कौन सा नंबर इस सीरीज को पूरा कर रहा है सूरज भी ए चलिए एक तीन आपसे पूछा है यहां पर व्हाट इज मिसिंग इक्कीस और अट्ठाईस यहां पे कितने का डिफरेंस प्लस टू का यहां पर प्लस थ्री प्लस फोर तो प्लस फाइव करें और आगे भी अपना पैटर्न बैठे तो यहां पे जो परफेक्ट आंसर आया प्लस फाइव फिफ्टीन का आया तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ अगला क्वेश्चन यस लेट्स सी रैंडम सीरीज आपको दे रखी है एक सीरीज आपको दे रखी है अब यदि सीरीज की अपन बात करें इस सीरीज की अपन बात करें तो आपसे पूछा इस सीरीज को कंप्लीट करने वाला पैटर्न क्या होगा इस सीरीज को कंप्लीट करने वाला पैटर्न क्या होगा जल्दी बताओ भाई पैटर्न को कंप्लीट करने वाला क्या हो अब देखो बेटा यहां पर ए ब्लैंक ए ए बी ब्लैंक ए बी ब्लैंक ए बी ब्लैंक सॉरी ज्योति राव करे बीड ट्रिपल कैसे आया वो अपन को देखना है टोटल काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टू तो यदि अपन तीन तीन पे ब्रेक करें एक तो ये बना अब यदि अपन देखेंगे यार इसकी स्टार्टिंग बी बी मिड बी है इसका भी मिड मी ए, ए ए तो एक पैटर्न बना ए बी ए ए बी ए ए बी ए बी, ए बी ए तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बी थ्री टाइम्स तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन बना वो अब टोटल बारह लेटर्स हैं तो फैक्टर कितने कितने के हो सकते तीन के हो सकते चार के हो सकते सर हम कौन से करेंगे आप एक बार तीन के करके देख लो तीन से यदि कोई लॉजिक ना बैठे तो चार के करके देखो जब तीन से अपना यहां लॉजिक बन गया देखो इसकी स्टार्टिंग सबकी स्टार्टिंग से है वेरी गुड इसका मिडिल बी इसका मिडिल बी इसका मिडिल बी तो इसका भी मिडिल क्या होने वाला है बी ही होने वाला है तो यहां पे जो रिपीटेशन हुआ ए बी ए का हुआ किसका हुआ रिपीटेशन जल्दी बोलो ए बी ए का हुआ तो रिपीटेशन किसका हुआ ए बी ए का अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज चलिए बताइए भाई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है लॉजिक क्या है सूरज आंसर दें आप भी लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है लेटर में तीन लेटर्स का वर्ड्स आपको दे रखा है जेल जेल को ये लिखा जाता है तो आपसे पूछा जा रहा है काइट को क्या लिखा जाएगा काइट को क्या लिखा जाएगा चला मालूम जी के अपोजिट कौन आता है टी ई e के अपोजिट वी एल के अपोजिट ओ टी ट्वेंटी बाईस बीस बाईस पंद्रह साइट की मैं बात करूं के पी आई आर टी ट्वेंटी टी जी अपोजिट लेटर्स की पोजिशन लिखी हुई है पी सोला आर अठारह जीरो सात बाईस सोलह अठारह सात बाईस सोलह अठारह सात बाईस तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बना और लॉजिक भी क्या हुआ अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर पोजिशन वैल्यू अपोजिट लेटर पोजिशन वैल्यू अपोजिट लेटर पोजिशन वैल्यू चलिए भाई हाँ भाई तीन परीक्षाएं हैं कॉलेज के अंदर छो छात्र छुट्टी हुई इन कॉलेज सो छात्र छात्र अपी फॉर दिस्ड ऑफ दीच इनमें से पंद्रह के परीक्षा एक और दो दी बीस ने परीक्षा एक और तीन दी पंद्रह ने परीक्षा तीनों दो दी केवल परीक्षा एक केवल परीक्षा दो और केवल परीक्षा तीन में प्रत्येक के लिए परीक्षा देने वालों की संख्या बीस थी तो कितने छात्रों ने तीनों परीक्षाएं दी कितने छात्रों ने दी? तीन तरीके के एग्जाम है एग्जाम वन एग्जाम टू और एग्जाम थ्री इनमें से पंद्रह ने एक और दो परीक्षा दी पंद्रह ये आ गए बीस ने एक और तीन दी पंद्रह ने दो और तीन दी टोटल सौ कैंडिडेट ये बीस बीस ने दी और केवल परीक्षा तीन में से प्रत्येक ने प्रत्येक के देने वालों की संख्या केवल परीक्षा एक दो तीन प्रत्येक की बीस 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 दूनी चालीस बीस तीस साठ अब यदि अपन बात करें साठ ये हो गए टोटल सौ छात्र हैं तो कितने छात्रों ने सभी तीनों परीक्षाएं दी हाउ मेनी हुजार्स टू ऑल थ्री एग्जाम्स यहां पे पंद्रह छात्रों ने ओनली एग्जाम वन ओनली टू ओनली थ्री टोटल ट्वेंटी थे एवरी प्रत्येक के लिए ईच फॉर एग्जाम ओनली वन सिक्सटी स्टूडेंट्स तो ये है बच्चे कितने अपने चालीस अब चालीस में से पंद्रह प्लस पंद्रह प्लस ट्वेंटी फिफ्टी कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने दो दो का माइंड बट चालीस है यहां पर यदि अपन बात करें यहां पर तो टेन कैंडिडेट्स कॉमन है टेन कैंडिडेट्स क्या है कॉमन जो वन ये ही बात करें पंद्रह पंद्रह तो टेन कैंडिट्स कॉमन है यहां पर तो टेन कम करेंगे यहां पर टेन तीनों के अंदर कम आएंगे यहां पे अपना कितना था ट्वेंटी तो इसका आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फिर भी फाइव कंडिट्स दोनों में कॉमन पंद्रह हुआ पंद्रह तीस तीस और ये पंद्रह पंद्रह बीस पैंतीस पांच कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो दोनों में शामिल हो दोनों में शामिल क्लियर थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी थी क्वेश्चंस के अंदर अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है अपोजिट डायरेक्शन का लॉजिक है। अपोजिट डायरेक्शन का लॉजिक चलिए बताइए क्या आंसर होगा वंदना कृष्णा विपरीत दिशा में चल रहे थे और कृष्णा विपरीत दिशा में चल रहे थे ये अपनी डायरेक्शन से अगर वंदना दक्षिण पूर्व की तरफ चल रहे थे दक्षिण पूर्व तो कृष्णा किस दिशा में ये नॉर्थ ये ईस्ट ये साउथ ये वेस्ट ये साउथ ईस्ट ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बोले तो उत्तर पश्चिम ए आंसर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की अपन बात करें अगला क्वेश्चन लेट्स सी उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले पे रेशियो वास पे करेंगे तो वास करेंगे तो कोई चीज साफ होगी क्लीन हो क्लियर सॉइल ड्रेंच नीट एंड क्लीन क्लीन हो पे पे करना भुगतान प्राप्त करना अपोजिट क्लियर तो वास क्लीन हो क्लीन सेकंड प्रोसेस चलिए बताइए अगली आकृति कैसी होगी अगला डायग्राम क्या होगा चलिए अब इस डायग्राम को देखिए अगली आकृति क्या होगी यदि अपन बात करें अगली आकृति की थोड़ा सा विजिबिलिटी काम मैं आपको बता देता हूं यह आकृति कुछ ऐसी बनी हुई त्रिभुज फिर अगले में गई फिर थर्ड में आई फिर फोर्थ में आई सब में फोर्थ इसको रोटेट किया फिर रोटेट किया फिर रोटेट क्या ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा अब इन दोनों की अपन बात करें अब लाइन की बात कैसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे फिर ऐसे आएगी तो इन दोनों में सेम है अब यदि अपन बात करें प्लस की बात करें टू टाइम्स प्लस कॉन्जीग इसके अंदर प्लस माइनस कौन सा है? एक आया ओम को देखो यहां से यहां यहां से यहां ओम यहां जाएगा यहां पे अब जो प्लस का डेक्शेंस टू टाइम प्लस वन टाइम प्लस आएगा तो डायग्राम डी आएगा डायग्राम बी की अपन बात करें ऑप्शन बी आई चलिए अगला क्वेश्चन हाँ ये दिख रहा है यस yes. चलिए भाई स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दे रखे आपको दो इथ स्टेटमेंट्स दे रखे और दो कंक्लूजनस दो स्टेटमेंट्स है दो कंक्लूजनस है आपको बताना कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है ये आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है कुछ कुछ का डायग्राम है यह मोर है गोरैया है कुछ गोरैया नेगेटिव है कोवा नहीं कोवा नहीं नेगेटिव ये वाली तो कुछ गोरइया मोर है सही है कुछ कोवे मोहर है पता नहीं हो भी सकते हो, नहीं पर यहां पे जो निष्कर्ष निकल रहा है फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो ये अपना बिल्कुल राइट है चलिए भाई अगला हाँ स्टेटमेंट्स दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष बताइए चली कुछ छात्र अंग्रेजी में कमजोर अंग्रेजी में कुछ छात्र वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर है वो गायक है सभी जो अंग्रेजी में तो कुछ गायक अंग्रेजी में कमजोर है हाँ सही है निश्चित रूप से सत्य है निश्चित रूप से सत्य वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर है गायक है गायक तो गायक अंग्रेजी में कमजोर हुए बिल्कुल सही तो जो ये निष्कर्ष दे रखा है वह हंड्रेड परसेंट ट्रू है निश्चित रूप से सत्य है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई नंबर सीरीज दो चीज मिसिंग है दो नंबर मिसिंग है आपको पता लगाना है क्या मिसिंग है क्या आंसर आएगा मिसिंग की जगह क्या आने वाला है यह आपको बताना है भाई ये आपको बताना है चलिए नंबर सीरीज नंबर्स बढ़ते जा रहे इन नंबर्स को गौर से देखो सारे नंबर आपको प्राइम नंबर दिखाई दे रहे होंगे सारे नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे जल्दी बोलो प्राइम नंबर प्राइम बोले तो अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे रही है ग्यारह तेरह सत्रह के बाद कौन आने वाला है उन्नीस उन्नीस के बाद तेईस तेईस के बाद उन्तीस तो देखिए सीरीज को देखते ही मालूम चल गए सारे नंबर प्राइम संख्या है प्राइम बोले तो अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या जिसमें स्वम और स्वम के अलावा एक का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता तो 1923 ऐसा कौन सा ऑप्शन सी तो आपको ध्यान रखना भाई सीरीज के अंदर प्राइम नंबर का लॉजिक भी आता है कौन से नंबर का लॉजिक आता है जल्दी बोलो प्राइम नंबर का लॉजिक भी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई स्टेटमेंट्स और अजम्पन ये लो भाई स्टेटमेंट और अजम्पन दे रखे कथंस दे रखा है और जम्पन्स दे रखी है कथंस क्या है कथंस क्या है डॉक्टर के रोगी डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी कि अगर वह स्वस्थ जीवन जिए और फेफड़ों की बीमारी से मुक्त होना चाहता है उसे तो धूमपान छोड़ना रहा है यदि रोगी सहयोग करता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर पाएंगे यस रोगी डॉक्टर की सलाह मान सकता है और धूमपान छोड़ सकता दोनों बात का है। तो दोनों अंतर निहित है दोनों बातें अंतर ये बात भी सही है और ये बात भी सही है बोथ आर इम्प्लीसिट बोथ आर इम्प्लीसिट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ना चलिए भाई यस yes. यहां पर डायग्राम से ए बी सी डी यहां पर क्या आने वाला है बहुत सिंपल यदि इन दोनों को देखो एक लाइट एक डार्क एक डार्क तो एक लाइट आएगा तो ये स्क्वायर तो आएगा नहीं भाई सर्कल आएगा सर्कल लाइट्स वाला आएगा डार्क वाला लाइट वाला आएगा ब्लैंक वाला आएगा ये इन पेयर्स को अपन देखेंगे इन पेयर्स को अपन देखेंगे तो एक ब्लैंक है एक फुल है तो यहां डायगोनली फील है तो यहां डायगोनली ब्लैंक है गढ़ ज्योति सूराजानी भाई, हाँ, आपको नाइन डायग्राम्स दे रखें इन नाइन डायग्राम में आपको तीन तीन के पेयर बताने तीन कौन सी तीन आकृति एक पैटर्न से कौन सी तीन आकृति एक पैटर्न से और कौन सी तीन आकृति एक पैटर्न से इस टाइप से अपन को बताना है इस टाइप से अपन को बताना है अब देखिए यहां आकृति की बात करें देखो तीन नंबर को देखो एक दूसरे को कट कर रही छह नंबर को देखो दोनों आकृति सेम है सात नंबर को तीन छ सात एक जैसी तो तीन छह सात का पेयर कहां है तीन सात का पेयर कहा है? यहां पे भी दो स्क्वायर यहां पे भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बट कैसे कर रहे हैं कुछ पार्शियली कर रहे हैं कुछ पार्शियली ये आकृति एक दूसरे के अंदर है एक, तीन एक पांच आठ एक जैसी है एक पांच आठ रॉन्ग एक पांच आठ दूंग एक पांच आठ सेम है सात छ तीन सात छ तीन ये एक्सेस है चार दो नो ये एक जैसा क्लियर पर चार सात नो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है सात छह थी ए ऑप्शन कौन कौन सी आकृति एक पैटर्न से ये आपको मालूम चली यहां पर कौन कौन सी आकृति इस पैटर्न से ये आपको मालूम चली क्लियर तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा चल सेलॉलोजी जिम का क्वेश्चन है भाई कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखें आपको यहां पर कुछ बैग वॉलेट है कुछ वॉलेट ट्रॉली है कुछ बैग ट्रॉली है निष्कर्ष यदि अपन यहां पे बात करें यहां पे कुछ कुछ का डायग्राम ये बनता है भाई बैग वॉलेट है कुछ वोलेट ट्रॉली है तो कुछ बैग ट्रॉली है नो सभी वोलेट ट्रॉली रहो ना तो निष्कर्ष वन अनुसरण करा ना निष्कर्ष दो अनुसरण क्लियर हुआ तो ये आज का अपना सेशन था ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको घर पे करना है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है एज ये असाइनमेंट्स के रूप में मैं आपको दे रहा आई होप सेशन काफी अच्छा लगा होगा यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट्स में दिया इन को कर सकते हैं साथ में लाइव बैच को एंजॉय कर सकते हैं इन्फोट्रेड एप डाउनलोड करें तो सभी लोग बताओ हाउस यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट से करें थैंक्स फॉर टूडे कल मिलते हैं बेटा न्यू सेक्शंस के साथ न्यू जोश और न्यू एनर्जी के साथ थैंक यू बाय टेक केयर यू